सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अनन्य शंकर और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईपीसी पढ़ने के आसान तरीके के बारे में। सो हम एक टॉपिक के थ्रू इसे समझते हैं, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। देखिए, मैंने ये टेबल बना रखा है। ये ऑफेंसेस होते हैं 141 से लेके 160 सेक्शन तक। सबसे पहले 141 में अनलॉफुल असेंबली को एक्सप्लेन किया गया है कि 5 और मोर पर्सन अगर कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ क्रिमिनल फोर्स के थ्रू, जो एक इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है, कोई असेंबली में अनलॉफुल काम करते हैं तो वो 141 के अंदर आएगा। 142 सेक्शन ये कहता है कि बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली एंड बीइंग अवेयर ऑफ फैक्ट्स के बारे में बंदा अवेयर है, इंटेंशनली उस असेंबली को ज्वाइन करता है, इंटेंशनली ज्वाइंस दैट असेंबली, तो इसके बारे में 142 में बताया गया है। 143 में इसी चीज़ की पनिशमेंट है, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ्स और फाइन और बोथ। सेक्शन 144 में ये कहा गया है कि ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड डेडली वेपन्स के साथ, इसकी पनिशमेंट है 2 ईयर्स फाइन और बोथ। ठीक है, 145 में ये क्या है, ज्वाइनिंग कंटिन्यूइंग, ठीक है, ज्वाइन करके रखना या फिर कंटिन्यू करे रखना अनलॉफुल असेंबली के अंदर, जो कमांडेड टू डिस्पर्स, जिसे ख़त्म होने की कमांड मिल चुकी है तब भी उसे ज्वाइन करे या कंटिन्यू रखना, इसकी पनिशमेंट है 2 ईयर्स फाइन और बोथ। सेक्शन 146 राइटिंग के बारे में है, फोर्स या फिर वायलेंस जो किसी अनलॉफुल असेंबली ने यूज़ की हो, एनी मेंबर, कोई भी मेंबर कोई भी एक्ट करे उसकी वजह से, कॉमन ऑब्जेक्ट की वजह से, हर मेंबर उस ग्रुप का गिल्टी होगा उस सेम ऑफेंस के लिए। इसका मतलब एक्ट ऑफ ऑल, लाइबिलिटी ऑफ ऑल। सेक्शन 147 है पनिशमेंट राइटिंग की, 2 ईयर्स फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट और बोथ। और सेक्शन 148 में राइटिंग विद आर्म्ड डेडली वेपन, एक तो नॉर्मल राइटिंग होगी और एक आर्म्ड डेडली वेपन के साथ जो राइटिंग है उसकी पनिशमेंट होगी 3 ईयर्स प्लस फाइन और बोथ। सेक्शन 149 में ऑफेंस बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, हर पर्सन इज गिल्टी ऑफ सेम ऑफेंस एज इफ ही कमिटेड इट हिमसेल्फ। तो वही बात हो गई, एक्ट ऑफ ऑल, लाइबिलिटी ऑफ ऑल, ये सेक्शन 149 में है। 150, हायरिंग पर्सन टू ज्वाइन अनलॉफुल असेंबली, पनिशेबल ऑफ अ मेंबर ऑफ सच असेंबली फॉर एनी ऑफेंस अलोन बाय द पर्सन हायर्ड एज इफ ही डन इट हिमसेल्फ। अगर हायर किए हुए पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है तो ये माना जाएगा कि आपने ही किया है, ठीक है, ये भी 150 में है। 151 में नोइंगली ज्वाइन करना या कंटिन्यू करके रखना अनलॉफुल असेंबली के अंदर 5 or more पर्सन के, जो कमांडेड टू डिस्पर्स हो चुका है, इसकी सज़ा है 6 मंथ्स प्लस फाइन और बोथ। इसमें डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस होता है, ठीक है। सेक्शन 152 में असॉल्ट, ऑब्स्ट्रक्ट करना या थ्रेटन करना किसी पब्लिक सर्वेंट को डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी से, उसके काम में दखल देना जब वो आया हो, राइटिंग या फिर को सप्रेस या फिर डिस्पर्स करने, इसकी पनिशमेंट है 3 ईयर्स प्लस फाइन और बोथ। सेक्शन 153 में वॉन्टनली प्रवोक करना किसी को इस इंटेंट से कि राइटिंग हो जाए, ये एक इलीगल एक्ट है जिसके थ्रू ऑफेंस होना कॉज करता है कोई पर्सन, तो राइटिंग अगर हो जाता है उसके कॉज करने से तो इसकी पनिशमेंट 1 ईयर प्लस फाइन और बोथ। अगर नहीं कमिटेड होता, नॉट कमिटेड, तो पनिशमेंट होगी 6 मंथ्स प्लस फाइन और बोथ। अब सेक्शन 153A, 153AA, 153B, आपको ये 3 सेक्शंस मुझे कमेंट में समझाने हैं, ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए दे दिया है टास्क। अब सेक्शन 154 की बात करते हैं। व्हेनेवर एनी रायट और हैपेंस एट ओनर और ऑक्यूपायर्स लैंड, तो उसे से फ़ाइन देनी होती है 1000 रुपये की। उसके एजेंट और मैनेजर को अगर पता हो कि ऑफेंस किसी रीज़न से, रीज़न टू बिलीव या लाइकली टू बी कमेंटेड होने वाला है, और उसने अर्लीस्ट नोटिस नहीं दी किसी प्रिंसिपल ऑफिसर को नियर पुलिस स्टेशन, तो ये उनके लिए एक लाइबिलिटी होगी। सेक्शन 155, लाइबिलिटी फॉर बेनिफिट और ऑन बिहाफ, ठीक है, राइट है अगर हो जाता है तो ओनर, ऑक्यूपायर या फिर एजेंट, मैनेजर अनेबल टू प्रिवेंट, अगर वो नहीं प्रिवेंट कर पाते उस जगह पे कोई चीज़ होने से, तो उनकी लाइबिलिटी होती है और उस पर फ़ाइन उन्हें देना पड़ेगा। सेक्शन 155 का बेसिकली ये मीनिंग है कि अपने बेनिफिट के लिए अगर कोई रायट या वगैरह अनलॉफुल असेंबली का कुछ ऑफेंस करवाता है तो उसके लिए ये फ़ाइन होगा। सेक्शन 156 भी यही है। अब 157 है हार्बरिंग पर्सन्स टू रिसीव असेंबल इन हाउस, ठीक है, या फिर किसी को आप छुपा के रखते हो और जो कुछ समय बाद या तो ज्वाइन कर लेगा या फिर हायर हो जाएगा एक अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करने के लिए, इसकी पनिशमेंट होगी 6 मंथ्स और फाइन और बोथ। सेक्शन 158, कोई भी जो एंगेज्ड होता है, हायर किया जाता है या जिसे ऑफर किया जाता है या अटेम्प्ट करता है किसी को असिस्ट करने में अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करने के लिए 141 सेक्शन के हिसाब से, तो उसकी पनिशमेंट होगी 6 मंथ्स और फाइन और बोथ। और ऐसा सेम चीज़ करे अगर वो आर्म्ड चीज़ों के लिए तो इसकी पनिशमेंट 2 ईयर्स और फाइन और बोथ।
इसके लिए आपको सेक्शन 141 के कुछ एक्ट्स देखने पड़ेंगे जो कि ए बी सी डी में लिखे गए हैं कि कितने टाइप्स हो सकते हैं अनलॉफुल असेंबली के या किन किन कंडीशंस पे अनलॉफुल असेंबली लगता है या ऑफेंस बनता है। तो वो टाइप्स के अकॉर्डिंग आपको ये एक्ट्स देखने हैं 158 के। एफरे क्या होता है? एफरे टू और मोर पर्संस, राइटिंग में ज़्यादा पर्संस थे, एफरे में टू और मोर पर्संस जब नॉर्मली फाइट कर रहे हो, पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा हो, तो इसकी पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 160 में जो कि आपका लास्ट सेक्शन है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का, 1 month इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ। ठीक है, सो मेरा मेन मकसद यहाँ पे इस वीडियो का यही था कि आपको बताऊँ कि इस तरीके से आप टेबल बना के आईपीसी को पढ़ें, हर एक चीज़ की पनिशमेंट लिख लें, कंडीशंस लिख लें, तो आपके लिए आईपीसी पढ़ना आसान हो जाएगा। इससे आप अपने सेमेस्टर एग्जाम या फिर जुडिशरी के लिए भी इफेक्टिव प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ध्यान रखें, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।